नमस्कार, मैं हूँ सुरभि भटेवड़ा। देश भर में बढ़ रहे ओमिक्रॉन ने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी। डेल्टा की तरह ही ओमिक्रॉन के लक्षण एकदम से समझ नहीं आ रहे। ऐसे में क्या करना है, किस तरह सावधानियां बरतना जरूरी है और क्या इस ओमिक्रॉन का इम्यूनिटी पर भी असर पड़ता है? डेल्टा की तरह क्या फेफड़ों पर भी इसका असर होता है? आइए सीधे बातचीत करते हैं कोविड स्पेशलिस्ट डॉक्टर रवि दोषी जी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार और बहुत ही धन्यवाद आपको सुरभि, जो आपने आज इतने रेलेवेंट टॉपिक पर बात करने के लिए मुझे बुलाया है। जी सर, सबसे पहले जानना चाहेंगे, अब ओमिक्रॉन को लेकर अब क्या व्यवस्था देखी गई है, इस बार क्या देखी जा रही है व्यवस्था? देखिए, ओमिक्रॉन का जो नेचर है वो बहुत ज्यादा फैलता है और बहुत ही कम टाइम में बहुत ज्यादा केसेस को इन्वॉल्व कर लेता है। आपने खुद ने ऑब्जर्व किया होगा कि कल इंदौर में उतने केसेस पॉजिटिव आ गए, अराउंड 55, जितने लास्ट एक वीक में पूरे मिला के आए थे। तो इस बार जो व्यवस्था में ये चीज विशेष ध्यान रखी जा रही है कि बेड्स की संख्या काफी पर्याप्त मात्रा में ऑलरेडी अवेलेबल कराई गई है। कोविड केयर सेंटर जहाँ पे कि एसिम्प्टोमेटिक या माइल्ड पेशेंट्स को रखा जाता है, उनकी भी तादाद ऑलमोस्ट 1000 से ज्यादा है। और सीरियस पेशेंट्स को रखने के लिए हॉस्पिटल्स की जो आवश्यकता रहती है उसमें भी बेड्स करीब करीब सभी हॉस्पिटल में 10-15% अनिवार्य मार्क करे गए। सर, जिस तरीके से दूसरी लहर बहुत ज्यादा खतरनाक थी, तो उससे सीखते हुए अब ओमिक्रॉन से किस तरह बचा जा सकता है, क्या सावधानियां रखना जरूरी है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि बातें वही हैं जो पिछले 2 साल से चल रही है, पर आज भी जब बस दूरी, मतलब फर्क इतना है कि आपको आपके ऑफिस से निकलने की देर है और मुझे मेरे हॉस्पिटल से निकलने की देर है, हम सभी को दिखता है ना कोई मास्क पहन रहा है ना कोई भीड़ लगाने से बच रहा है। बहुत ज्यादा जरूरी है हम मास्क पहने, हम भीड़ से दूर रहें, जहां तक के बहुत जरूरी ना हो हम बिल्कुल भी घर के बाहर ना निकलें, और जब भी हमें कोई लक्षण हो हम जल्द से जल्द डॉक्टर से चिकित्सक सलाह लें, और जितना भी हो सके हम अपने वैक्सीनेशन को पूरा करें। हमारे 2 डोज अनिवार्य हैं और बूस्टर डोज का भी विकल्प आ गया है, तो जितना जल्दी हो हम उसको भी लगवा लें। जी, तो सर जिस तरीके से आपने डोज की बात की है, लेकिन दोनों डोज लगवाने के बाद भी आपको इसका असर लोगों पर हो रहा है, संक्रमित हो रहे हैं, ऐसे में इम्यूनिटी पे भी इसका असर पड़ रहा है? बहुत अच्छी बात बोली आपने और कई टेक्निकल टर्म्स आपने इंक्लूड करी। देखिए, कोविड की वैक्सीनेशन इम्यूनिटी को बढ़ाती है, कोविड की वैक्सीनेशन इन्फेक्टिविटी कम नहीं करती है। तो क्या होगा कि कोविड के संपर्क में अगर आप किसी कारण से आए तो आप पॉजिटिव हो सकते हैं, पर उस इम्यूनिटी के बलबूते पर वो कोविड आपके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। जी, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसलिए कोविड का वैक्सीनेशन देखा जाए तो ओमिक्रॉन से लड़ने के लिए सबसे बेहतरीन हथियार है। ओके, तो सर लाइक इम्यूनिटी बूस्टर करने के लिए सेकेंड वेव का जिक्र इसलिए बार बार हो रहा है क्योंकि वो बहुत ज्यादा खतरनाक थी और कई लोगों की असमय मौत हुई है उसमें, तो उससे बहुत कुछ सीखा भी जा सकता है। ऐसे में इम्यूनिटी को लेकर उस दौरान काढ़ा भी पिया या फिर अलग अलग तरह के नुस्खे भी अपनाए थे जो घरेलू थे, वो एक डॉक्टर की सलाह से वो अलग भी हो सकते हैं, लेकिन अब इससे बचाव के लिए वो कितने कारगर है? देखिए, चाहे घरेलू उपाय हो, चाहे वो आयुर्वेदिक उपाय हो, चाहे वो मतलब अपने एलोपैथिक में भी जो विटामिन्स और जिंक, कैल्शियम, विटामिन डी लोग सालों से अब ले रहे हैं, तो जरूरी बात यह है कि हर एक का टारगेट सिंपल है कि आपकी नेचुरल इम्यूनिटी को बूस्ट किया जाए। तो ऐसे में जो मतलब सालों से एक बात सर्वविदित है, आप मौसमी फल खाइए, मौसमी सब्जियां खाइए, अच्छे भोजन का सेवन करिए, और सबसे जरूरी एक अच्छी नींद निकालिए। अगर ये तीन चार कर ली तो कोई किसी भी तरह से आपकी इम्यूनिटी कम नहीं रहेगी, रादर आप अपनी इम्यूनिटी की स्ट्रेंथ के बेसिस पे अच्छा खासा इस बीमारी को हरा पाएंगे। सर, जहां डेल्टा वेरिएंट एक तरीके से फेफड़ों पर सबसे जल्दी अटैक कर रहा था, ओमिक्रॉन में भी ऐसा ही है? देखिए, कोविड जो रहता है मुख्य रूप से लंग्स को ही अपना एंट्री का द्वार जो रहता है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम रहता है, नोज के द्वारा या मुंह के द्वारा सिक्रीशंस को जो अंदर आते हैं हम इनहेल करते हैं और वो हवा के तंत्र से लंग्स से होते हुए पूरी बॉडी में जाता है। ओमिक्रॉन कोविड का ही एक वेरिएंट है, इसलिए कोविड की उस प्रॉपर्टी को उसने अभी नहीं छोड़ा है। हालांकि सबसे जो अभी ऑब्जर्वेशन वाली बात यह है महत्वपूर्ण कि ओमिक्रॉन की वजह से बहुत ज्यादा रेस्पिरेटरी लक्षण सामने नहीं आए,
आए हैं, जनरल फ्लू वाले लक्षण ही सामने आए हैं जी। सर, इस जो लोग वैक्सीनेटेड है जिन्हें दोनों डोज दोनों लग चुके हैं लेकिन वो लोग भी ओमिक्रॉन की चपेट में आ रहे हैं, तो उनमें अलग लक्षण है? उनमें कम लक्षण है। महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर वो व्यक्ति दोनों डोज ले चुके हैं और ओमाइक्रोन के भी संपर्क में आ रहे हैं तो उनमें बीमारी की तीव्रता नहीं मिल रही है। अभी पिछले कुछ दिनों से अरविंदो में ओमाइक्रोन संबंधित कई मरीजों की पुष्टि हुई एवं उनको इलाज करके भी हमने देखा, तो वो फॉरेनर्स थे, उन्होंने फॉरेन में फाइजर और मॉडर्ना की वैक्सीन लगवाई हुई थी, उनके अंदर पॉजिटिव जरूर था पर उनके अंदर फ्लू का कोविड का कोई भी लक्षण मौजूद नहीं था। सर, अगर जिस तरीके से देखा जाए तो डेल्टा आक्रामक भी ज्यादा था लेकिन इसकी स्पीड थोड़ी कम थी, जिस तरीके से ओमिक्रॉन तेजी से बढ़ रहा है लेकिन ये आक्रामक थोड़ा कम दिख रहा है। ओमिक्रॉन तेजी से बढ़ रहा है, संक्रामक ज्यादा है, ये एक बहुत कम समय में बहुत ज्यादा नंबर ऑफ पीपल को इन्फेक्ट कर सकता है। इसकी जो बाइंडिंग प्रॉपर्टी वायरस की सेल्स के ऊपर है ये दूसरों के कंपैरिजन में कई ज्यादा इफेक्टिव देखी जा रही है, इसलिए बहुत जरूरी है कि ओमाइक्रोन को हम किसी भी तरह से कमतर ना आके। हालांकि रिपोर्ट्स और रिसर्च ये कह रहा है कि उसमें सीवियरिटी नहीं है, पर ये जो केसेस की संख्या बढ़ाएगा तो ऑटोमेटिकली जो हाई रिस्क वर्ग है, ऐसा पॉपुलेशन जिसके अंदर की बीमारी होने की और बीमारी से हानि होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, उसको भी वो ज्यादा संक्रमित करेगा। अगर मैं एक बात और यहाँ बोलना चाहूंगा, अभी तक ओमाइक्रॉन से अलग अलग देशों में जैसे साउथ अफ्रीका, यूके, यूएस, इन सभी से जो डाटा आया है उसमें जिन ओमाइक्रॉन के मरीजों की मृत्यु हुई है वे सभी वे हैं जो बुजुर्ग हैं और जिनको अन्य कई सारी बीमारियां हैं, और डायरेक्ट ओमाइक्रॉन इन्फेक्शन से उनकी मृत्यु हुई है ये प्रूव नहीं किया जा सकता है। वो ये मान रहे हैं कि उनकी जो स्वतः कंडीशन इतनी खराब थी कि उनकी डेथ हुई, पर मेरा बस एक सावधानी पूर्वक ये निवेदन है कि सावधानी पूरी रखना जरूरी है, किसी के अंदर भी ये वायरस क्या कर सकता है ये 100% हम नहीं बोल सकते जी। तो सर, पिछली बार की तरह ही अभी वापस से भले ही उन्हें कोविड की दोनों डोज लग चुकी है लेकिन कोमोर्बिडिटी वालों को फिर से उसी तरह एहतियात बरतने की जरूरत है? कोमोर्बिडिटी विशेषकर डायबिटीज, किडनी संबंधित समस्याएं, वे व्यक्ति जो बहुत ज्यादा मोटे हों, जिनका वजन बहुत ज्यादा अधिक हो, और वे व्यक्ति जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाए हों, वो सब हाई रिस्क में आ रहे हैं, उनको बहुत ज्यादा सावधानी रखनी चाहिए। मेरा निवेदन है कि वो दोनों वैक्सीन के डोज लगवाएं, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके अलावा बूस्टर मिले तो बूस्टर लगवाने ये बहुत फायदेमंद है, और अगर आपने फिर भी रिस्क फैक्टर्स हैं तो आप मास्क पहने, घर के बाहर अननेसेसरी बिल्कुल भी मत जाइए, और आपको जरा से भी लक्षण हो तो तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाइए। सर, एक चीज ये भी देखी जा रही है कि अभी तक जो कोविड केसेस बढ़ रहे हैं उनमें से बहुत सारे लोग वैक्सीनेटेड हैं, तो कहीं ना कहीं फिर अब सर सवाल आता है कि हर्ड इम्यूनिटी किस तरह बनेगी? फिर देखिए, आप ये भी तो उसको नजरिए से देख सकते हैं कि केसेस की संख्या बढ़ रही है पर उनकी मृत्यु दर बहुत ज्यादा नहीं है, हॉस्पिटल स्टे बहुत ज्यादा नहीं है, 5 से 7 दिन में चले जा रहे हैं। ऐसे मरीज जो भर्ती हो रहे हैं उनके अंदर बहुत ही कुछ चुनिंदा है जिनके अंदर ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट आ रही है। आप देखेंगे तो सेकेंड वेव में पहले करीबन जहां 50-60% मरीजों को ऑक्सीजन लग रहा था, वहां पे अभी इस महीने जितने एडमिट हुए हैं उनमें से 10% को भी ऑक्सीजन नहीं लग रहा है। तो ओमाइक्रॉन या इस बार का जो कोविड है वो एक अलग रूप में सामने आ रहा है, अभी तक उसने तीव्रता का जोर नहीं पकड़ा है, तो मैं समझता हूँ कि हम अभी जहां तक के हो सके सावधानी के ऊपर अगर जोर देंगे, वैक्सीनेशन पे जोर देंगे, तो शायद हम सक्सेसफुली इससे बचे हुए रहेंगे जी। सर, अगर अगर इस पर अभी लगाम नहीं लगता है जितनी जल्दी पॉसिबल है तो ऐसे में तीसरी लहर संभव है एक बार फिर से कोविड वेव की दूसरी वेव की तरह ही? बतौर मानवता के मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहूंगा कि तीसरी लहर कभी भी आए, क्योंकि इस बीमारी के उठाते फन कभी भी अच्छे नहीं होते हैं, पर जो केसेस की संख्या में एकदम बढ़ोतरी देखी जा रही है उससे हमें बहुत ज्यादा सावधान होने की जरूरत है, और जहां तक के हो सके हमें इस बीमारी को रोकने के जितने उपाय हम कर सकते हैं, जितने हमारे हाथ में है, उन्हें पूरी तरह से लागू कर देने की जरूरत है। जी।
सर आखिरी सवाल जानना चाहूंगी, जिंक और विटामिन सी टेबलेट्स भी कोविड के सेकेंड वेव के दौरान बहुत सारी ली गई थी ताकि इम्यूनिटी ठीक रहे, और जिस तरीके से डिफिशियंसी हो रही थी विटामिन की उससे भी कोविड का असर आपके ऊपर पड़ रहा था, तो सर ये कितना सही है लेना डॉक्टर की सलाह से, और क्या इससे इम्यूनिटी को मजबूत किया जा सकता है? देखिए, एक जिंक हो, सेलेनियम, मैंगनीज या फिर ये जो कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन सी, इन सभी के निश्चित डोज आप 2 से 3 हफ्ते तक लीजिए, फिर इनको रोक दीजिए, फिर इनको 6-8 महीने बाद अगर आपको लगे तो रिपीट कर लीजिए। उनसे जितना बेनिफिट होना है वो 2-3 हफ्ते के अंदर हो जाता है। हाइपर विटामिनोसिस डी, हाइपर विटामिनोसिस सी, ऐसे कई प्रकार की बीमारियां देखी जाती है जो ज्यादा विटामिन लेने से भी होती है। तो हमें कंटिन्यूस इन विटामिन को लेने से नुकसान है, फायदा नहीं। सर ओमिक्रॉन के ऊपर तमाम जरूरी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिय थे हमारे साथ डॉक्टर रवि दोषी जी। देश विदेश की अन्य खबरों को देखने के लिए विजिट कीजिए webdunia.com। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचें, मास्क पहनें व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें।